सर जिस तरह से प्रधानमंत्री वजीर आजम यानी कि वजीर आजम तक नफरती बयान देने के लिए बेलगाम शहर में बंसवाड़ा हो फिर एक साथ ले लीजिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो और ये फिलहाल तो एक तो प्रज्वल रेवन्ना का भी मामला अभी हमने आपका सुना। देखिए प्रज्वल रेवन्ना ने जो राक्षसी कार्य किया है जो दरिंदगी और हैवानियत का कार्य किया है उसको बचाने का काम बीजेपी ने किया, उसको भगाने का काम बीजेपी ने किया। बीजेपी को प्रधानमंत्री को यह पता था कि ये आदमी दरिंदा है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री उसके प्रचार के लिए आए। उन्होंने कहा यह भारत का भविष्य है, उन्होंने कहा इसको मजबूत करो मोदी मजबूत होगा। ऐसे गंदे आदमी के बारे में जिसके बारे में आपकी पार्टी का विधायक देवराज गौड़ा पहले ही 8 दिसंबर को चिट्ठी लिख के बता चुका था कि इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए और इसको टिकट मिलने से पार्टी की बदनामी होगी, लेकिन मोदी को तो इस बात से फर्क पड़ता नहीं। इस वीडियो का पहला खुलासा हुआ है भाजपा के राज में, जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी उस वक्त ये वीडियो सामने आया, तब से लेके इसको दबाने का काम बीजेपी वालों ने किया और उसको भगाने का काम बीजेपी वालों ने किया। कैसे जर्मनी चला गया वो, जब उनकी जानकारी में था तो कैसे टिकट दे दिया, कैसे मोदी जी ने प्रचार, यही बेटी बचाओ नारा है तुम्हारा, ऐसे ही बेटी बचाओ का नारा दे रहे हो, किसी की उंगली काट रहा है, किसी का किसी को हैवानियत और दरिंदगी का, ऐसा वीडियो घिनौना 2976 वीडियो है उसके और 200 से ज्यादा महिलाओं का अब तक मामला सामने आया है। तो मैं तो समझता हूं आजादी के बाद कभी भी ऐसा कोई हैवानियत का मामला किसी ने सुना नहीं होगा। अमित शाह कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत पहले पता था सरकार। ये वीडियो सबसे पहले किसके पास आया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पास। कब आया, जब बीजेपी की सरकार यहां पर थी। किसने उसको भगाया, भारतीय जनता पार्टी ने। किसने उसके लिए प्रचार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब बताइए ना, इसमें कोई संशय है किसी के दिमाग? सर कार्रवाई भाजपा वालों पर भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं इसमें जवाबदेही प्रधानमंत्री की बनती है। उनको पता था कि ये ऐसा दरिंदा आदमी है, बावजूद इसके उन्होंने टिकट दिया और उसके लिए प्रचार किया। आप बताइए ना, इस पे प्रधानमंत्री को भी अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। ये तो अजीब बात है, प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, वहां निवस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जाएगा। प्रधानमंत्री पहलवान बेटियों पे नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री हाथरस कांड पे नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री उन्नाव कांड पे नहीं बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री किस लिए है भाई, खाली दूसरों को गालियां देने के लिए बने? 10 साल हो गया कोई रिपोर्ट कार्ड उनका नहीं, महंगाई कितनी कम की, बेरोजगारी कितनी कम की, अशिक्षा कितनी कम की, इस पे नहीं बोल रहे। वही पुराना हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र लेके भाग, ये प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री की भाषा है। आप देश के प्रधानमंत्री हो, 10 साल हो गया कुछ भी बताने के लिए आपके पास नहीं। 20 करोड़ नौकरी देने की बात आपने कही थी 10 साल में, 15 लाख हर आदमी के खाते में पहुंचाने की बात कही थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी, 40 रुपए में डीजल बेच रहे थे आप, 50 रुपए का पेट्रोल बेच रहे थे। आपने पूरे देश को मूर्ख बनाया। इसीलिए मैं कहता हूं मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। सर एक आखिरी सवाल, राघव चड्ढा बाहर क्यों है? वो अपने इलाज के लिए बाहर गए।